वेलकम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग है मंगला हेमलेट पार्ट टू का। आज पार्ट टू बनाना मैंने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ मंगला हेमलेट की। तो पहले ये जब दरिया झेलम बना था तो उधर जो मलबा था, मिट्टी वगैरह सारा कुछ इस जगह पर मंगला हेमलेट में डाली गई। उसके बाद लोगों ने आगे इधर रैश मतलब आबादी स्टार्ट कर दी, रैश रहना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, यानी कि तकरीबन 65 साल पुराना, जब मंगला डैम और दरिया झेलम बन रहे थे उस टाइम की बात है। तो अभी ये काफ़ी खूबसूरत मंगला हेमलेट एक कस्बा बन चुका है आज़ाद कश्मीर का। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मैं पूरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको मंगला हेमलेट, आपने एंजॉय करना है। और अभी स्टार्ट करता हूँ मैं भी खड़ा हूँ इधर अलमदीन चौक खड़ा हूँ, वहाँ से मंगला हेमलेट स्टार्ट होता है। अभी बाज़ार की तरफ जाएँगे, फिर मैं आपको ऐसे ऐसे आगे बाकी की चीज़ें दिखाता रहूँगा। ये अलमदीन चौक है, ये सड़क जाती है मंगला हेमलेट बाज़ार की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यह है मंगला हेमलेट की सड़कें और बाज़ार स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। एमसीबी बैंक, दुकानें बंद हैं क्योंकि आज लॉकडाउन है। और ये देख रहे हैं आप मस्जिद, ये बड़ी मीनार वाली मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल बच्चों का। उसके बाद आपको दूसरा स्कूल दिखाएंगे, पायलट स्कूल। और गाइस ये स्कूल है, ये 1999 में बना था ये स्कूल, मंगला स्कूल कॉलेज एंड सिस्टम, मंगला स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम। ये बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से इंटरमीडिएट तक तालीम दी जाती है इधर। ये बहुत पुराना स्कूल है। और गाइस अगर आप ये सड़क अलमदीन चौक वाली अगर सीधी आप आते हैं तो ये आपको मिलता है गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल मंगला। ये भी बहुत पुराना और जदीद तरीन स्कूल है। इसके अंदर सिक्योर दिन दिखाएंगे आपको, अभी फ़िलहाल बंद है ये। तो अभी चलते हैं आगे, मैं आपको फिल्टर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्रिकेट ग्राउंड दिखाता हूँ जो कि मंगला हेमलेट के लड़कों के लिए है। गाइस ये फिल्टर है जहाँ से लोग पानी भरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्रिकेट ग्राउंड। और गाइस ये है क्रिकेट ग्राउंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तान। अब ये सड़क फॉलो करते आए तो सीधा आपको ये मिलेगा एक यहाँ पे मदरसा बच्चों के लिए, दीनी तालीम दी जाती है। और गाइस इधर एक और भी दरबार है छोटा सा, ये देख कितने खूबसूरत बनाया हुआ है, छोटा सा एक दरबार है। गाइस ये है कब्रिस्तान। देखें ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इसके साथ है कि कब्रिस्तान के साथ एक ग्राउंड भी है, कब्रिस्तान वाला ग्राउंड जिसे कहते हैं, यहाँ भी लड़के भी खेलते हैं। ये ग्राउंड है सारा। अभी मैं चलता हूँ, वो अड्डा है मंगला हेमलेट का अड्डा जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, वहाँ भी चलते हैं। यही सड़क आपने सीधी जानी है, यही सड़क आपने सीधा चला जाना है, ये आपको सड़क ले जाएगी मंगला अड्डे पे। गाइस ये है मंगला अड्डा। गाइस ये सड़क अगर आप सीधी आ जाएँ तो आप ये अड्डा मंगला अड्डा, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। ये सड़क जाती है दीना झेलम की तरफ, ये जाती है खड़ी शरीफ की तरफ।
गाड़ी ये है अड्डा, मंगला अड्डा। चलें चलते हैं, बाकी का आपको हेमलेट दिखाता हूँ। गाइस अभी हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं साइड पर, मंगला हेमलेट के ग्राउंड के दूसरा जो रास्ता जाता है इस साइड से आता है, महाजर कॉलोनी वाले साइड से। इस चौक पे आपको मिलती है नर्सरी मंगला की, यहाँ पे फल फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं। और ये सड़क अगर आप सीधे चलते हैं महाजर कॉलोनी वाले साइड से तो ये भी सड़क जाती है मंगला बाज़ार की तरफ। तो चलें चलते हैं फिर। ये सीधी सड़क चलते हुए आपने जो लेफ्ट साइड पे मोड़ आएगा वहाँ मोड़ जाना है और आप इंटर हो जाएंगे मंगला बाज़ार में, मंगला हेमलेट के बाज़ार में। और अभी मैंने टर्न कर लिया है तो सड़क जाती है सीधा मंगला हेमलेट के बाज़ार में, जहाँ पे बड़ी मीनार वाली मस्जिद है, तो उधर जा रहे हैं हम। अभी हम इंटर हो चुके हैं मंगला हेमलेट के बाज़ार में। ये जगह मैं आपको पहले दिखा गया हूँ, ये मंगला हेमलेट का बाज़ार है। और गाइस ये है इंटर कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज लड़के पढ़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्पेंसरी। गाइस ये है डिस्पेंसरी, यहाँ ये सुबह सुबह खुलती है। ये मंगले की आवाम के लिए सहूलत है कि इधर से दवाई वगैरह मिल जाती हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।